तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था भारत के बाहर के आक्रमण जो बाबर ने किए, जिसमें उन्हें उसे कुछ में सफलता मिली, कुछ में वो हारा और लास्ट में पूरी तरह से हार चुका था। तीन बार वो समरकंद हारा, फरगना हारा, काबुल हारा। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। बाबर भारत की तरफ क्यों बढ़ा, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई बाबर को जो उसने भारत की तरफ कदम रखा। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं बाबर जो है वो तैमूर का वंशज था। तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, दोनों एक पराक्रमी थे। तो बाबर ने सोचा क्यों ना हमें इधर तो सफलता मिल नहीं रही है, तो हम उधर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उधर का मतलब भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबर ने अपना कदम बढ़ाया भारत की तरफ, क्योंकि वो तैमूर का वंशज था, वो स्वयं को भी पराक्रमी मानता था। आखिर भाई जो बच्चा 12 साल की अल्पायु में फरगना के सिंहासन पर बैठा हो वो अपने आप को पराक्रमी तो मानेगा, ये एक आम बात है। तो उसने सोचा ये कि भाई तैमूर की तरह अगर बनना है तो भारत की तरह बढ़ना होगा, क्योंकि भारत एक बड़ा राज्य था। राज्य का मतलब देश, भारत एक बड़ा राज्य था और बड़े राज्य की तरफ उसने बढ़ने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि वह इधर तो सब छोटे छोटे राज्य हैं। भारत एक बड़ा राज्य है, उस पर वो हमला कर देगा, उस पर शासन कर लेगा तो उसका नाम भी होगा, वो विख्यात भी होगा। तो दोस्तों उसने भारत की तरफ कदम रखा, क्योंकि एक लाइन हमेशा इतिहास में फेमस है, भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है। जो भारत को जितना लूट पाया उसने उतना भारत को लूटा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा पॉइंट आता है बाबर क्यों भारत आया। तो दोस्तों बाबर क्यों भारत आया, इतना तो आपको समझ में आ गया, वो तैमूर का वंशज था। और उस समय पर भारत की क्या राजनीतिक स्थिति रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसको भारत की तरफ ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्जी से भैया मुंह उठाए चले जाए, ऐसा तो होएगा नहीं। इनको किसी ने इनको बढ़ावा दिया था कि भाई तुम उस समय पर इब्राहिम लोदी दिल्ली का सरदार था, दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ था। तो बाबर को किसने भड़काया, पहला नाम आता है राजनीतिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं, अफगान अमीरों ने बाबर को भड़काया कि भाई बाबर तुम जाओ और आक्रमण करो अफगान अमीरों और इसके एक चचा थे, चचा आलम खान जिनका नाम था, इन दो लोगों ने भड़काया। उस समय पर भारत पर दो लोगों का ही शासन था, पहले हो गए इब्राहिम लोदी दिल्ली की सल्तनत में बैठे थे, दूसरे हो गए राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। दो लोगों की सत्ता थी और दोनों में आपस में नहीं बनती थी। तो भाई जब जब दो लोगों की आपस में नहीं बनेगी, बाहर से कोई विदेशी आक्रमण हुआ, दोनों लोगों ने साथ मिलकर सामना नहीं किया तो भाई हारोगे निश्चित है। क्या तो तुम इतने ताकतवर हो जो सामना कर सको अकेले, भारत में उठानी आपस में ही लड़ाई चलती रहती थी, छोटे छोटे राज्य थे, ये हो गए, आपस में ही लड़ाई थी, इनकी एक नहीं बनती थी। तो हुआ ये कि इन्होंने इसको भड़काया बाबर को कि भाई बाबर जाओ आक्रमण कर दो, वहां पे समय किसी की नहीं बन रही है, इस समय पे तुम अधिकार कर लो जाके, वहां पर इब्राहिम लोदी को हरा दो, तुम्हें काफी नाम भी प्राप्त होगा। ये छोटे छोटे राज्य में कहां भटक रहे हो, काबुल हो गया, फरगना हो गया, समरकंद हो गया, तुम जाओ दिल्ली की सत्ता प्रशासन करो जाके। तो उसने किया ये, इनके भड़कावे में आने से बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब हम उसके आगे की बात को समझते हैं कि बाबर ने पहला आक्रमण कहां पर किया था। तो दोस्तों बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का विचार बनाया, लेकिन उससे पहले उसने एक कला सीखी। उसने सीखा क्या, उसने समरकंद के उज्बेकों से तुलगुमा पद्धति सीखी। तुलगुमा पद्धति क्या होती है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा। और मंगोलों से इसने व्यूह रचना सीखी, ईरानियों से इसने बारूद का प्रयोग करना सीखा और तुर्कों से इसने अश्वसेना सीखी। अश्वसेना मतलब घोड़ों से संबंधित सवारी।
बाबर ने, दोस्तों बाबर ने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी की जनवरी में कहां किया, बाजौर का दुर्ग। इसने बाजौर के दुर्ग को घेर लिया और वहां पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में इसने बारूद का प्रयोग किया। भारत वाले जो थे बड़े भोले थे, वो उन्हें बारूद के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बारूद के बारे में नहीं पता था, तुलगुमा पद्धति के बारे में भी नहीं पता था। बाजौर के दुर्ग को बाबर ने घेर लिया, यहां पर आक्रमण किया और यहां पर अधिकार कर लिया। उसके बाद ये बढ़ता है, यहां पर जीतने के बाद ये बढ़ता है झेलम नदी के तट पर, और एक बीरा नामक स्थान होता है, बीरा नामक स्थान। इसने बीरा नामक स्थान पर इसका विरोध हुआ, लेकिन इसने वहां के लोगों को भी रौंद दिया, कुचल दिया। बीरा नामक स्थान के लोगों को कुचल दिया और यहां पर अधिकार कर लिया। यहां पर अधिकार करने के बाद बाबर ने सोचा, चलो भाई अपने अब घर काबुल लौटा जाए। काबुल लौटते वक्त इसने किया क्या, बीरा जो जगह थी उसका शासक ये बना देता है हिंदू बेग को, हिंदू बेग को यहां का शासक बना देता है और बाबर काबुल लौट जाता है। काबुल लौटते वक्त ये एक काम और करता है, जो इलाका होता है बीरा से सिंधु तक का, ये दे जाता है मोहम्मद अली जंग व खुशाब लंगर खान को। तो बाबर अब वापस लौट चुका है काबुल। बाबर के काबुल लौट जाने पर बीरा के जो लोग थे, जो बचे कुचे थे, उन्होंने हिंदू बेग से क्या कहा, चल निकल, उसको वहां से भगा दिया। और हिंदू बेग भागता हुआ पहुंचेगा कहां, अब हिंदू बेग भागता हुआ पहुंचेगा काबुल, बाबर के पास। जो भाई वो पहुंचता है 1519 के सितंबर में, वो वहां पहुंचता है, और दूसरा आक्रमण भी बाबर का 1519 ईस्वी में होता है। इसे मेरी माने तो इसको आक्रमण नहीं कहेंगे। बाबर काबुल से निकलता है, ठीक है भाई, बाबर काबुल से निकला कि भाई बीरा के लोगों ने हिंदू बेग को वहां से भगा दिया, अब देखते हैं इनकी औकात, देखते हैं चल के क्यों भगा दिया इसको यहां से। बाबर जैसे वहां से निकलता है काबुल से, वो पेशावर तक पहुंचता है। पेशावर पर पहुंचने पर उसको सूचना मिलती है कि ये जो शख्स है दक्षा, ये है विद्रोह कर देता, इसने काबुल में विद्रोह कर दिया। तो भाई बाबर को तो वापस लौटना पड़ेगा। बाबर भाई साहब वापस लौटता है, और यहां को काबुल को नियंत्रित करता है। उसके बाद बाबर ने तीसरा आक्रमण किया 1520 ईस्वी में। यह लौटा, भारत के लौटा, अफगानों को रौंदते हुए ये सियालकोट पहुंचा। सियालकोट के जो लोग थे बाबर की शक्ति से वाकिफ थे, उन्होंने कहा भाई इसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दो, उसी में अपनी भलाई है। बस सियालकोट के लोगों ने इसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता यह है, ये पहुंचता सैयदपुर, यहां के लोगों को इसने रौंद दिया, इन्होंने भी आत्मसमर्पण किया और बाबर की यहां पर भी विजय हो गई। उसके बाद बाबर को खबर मिलती है शाह अरगुन जो कांधार का शासक होता है, वो काबुल पर आक्रमण कर देता है। ये भैया जैसे बाबर बाहर निकलते हैं, इनके घर पर कोई आक्रमण कर देता है। इस बार शाह अरगुन ये जो होता है कांधार का शासक, ये काबुल पर आक्रमण कर देता है। तो बाबर फिर से वापस लौटते हैं और कांधार विजय करते हैं 1522 ईस्वी में। 1522 ईस्वी में कांधार जीतते हैं और यहां का शासक खुद नहीं बनते हैं, अपने पुत्र, क्या नाम है, कामरान इसको यहां का शासक बना देते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चौथा आक्रमण और पांचवा आक्रमण। दोस्तों बाबर का चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में होता है। कैसे होता है, दौलत खान जो पंजाब का शासक होता है और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक होता है, दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा होता है। तो मनमुटाव के बीच में दौलत खान क्या करता है, दिलावर खान जो कि इसका पुत्र होता है, इसको बाबर के पास काबुल भेजता है कि चलो बाबर को जवाब बताया जाए कि हम और तुम साथ मिलकर चलते हैं, इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करते हैं और दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इस बात की भनक
इब्राहिम लोदी को लग चुकी थी या नहीं लगी थी, इसके बीच में मतभेद है। तो इब्राहिम लोदी करता क्या है, इब्राहिम लोदी करता ये है, इब्राहिम लोदी दौलत खान जो पंजाब का शासक था पंजाब पर आक्रमण कर देता है और अधिकार कर लेता है। पंजाब पर अधिकार करने के बाद भाई दौलत खान भागते 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 इनके साथ दिलावर खान के साथ बाबर के दरबार में पहुंचते हैं। बाबर के वहां पहुंचने के बाद बाबर से कहते हैं चलो भाई उसने हमारे अधिकार कर लिया, अब हम दिल्ली पर अधिकार करेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। बाबर ने कहा चलो ठीक है भाई। तो बाबर ने किया ये, बाबर जब काबुल से लौट रहा था भारत की तरफ आ रहा था आक्रमण करने के लिए, तो रास्ते में पड़ा लाहौर व दीपालपुर, इसने यहां इसको जीत लिया, इसको जीत लिया। तो दौलत खान ने कहा क्या, और इसने बाबर ने कहा लाहौर व दीपालपुर हम तुमको दे देंगे। तो इसने कहा क्या, लाहौर और दीपालपुर तो भाई तुम्हें नहीं मिलेगा, लाहौर व दीपालपुर तो नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम जलंधर और सुल्तानपुर ले लो। इन्हें भैया पसंद नहीं आया, तो इन्होंने किया क्या, जलंधर व सुल्तानपुर का शासक इनके पुत्र दिलावर खान को बना दिया। ठीक है, और दोस्तों होता यह है, जब बाबर वापस जा रहा था काबुल की तरफ, तो वह दीपालपुर का जो शासक है वो बना के जाता है आलम खान को, आलम खान को इसने शासक बना दिया और वापस काबुल लौट जाता है। अब इसके लौटने के पश्चात होता क्या है, होता यह है दोस्तों, जलंधर व सुल्तानपुर तो इसके पास पहुंच गया दिलावर खान के पास, दौलत खान के पास कुछ है ही नहीं। दौलत खान अपने एक पुत्र गाजी खान के साथ दीपालपुर, इसका जो एरिया होता है वो होता है आलम खान के पास में, आलम खान के ऊपर आक्रमण कर देता है और उसको अधिकार कर लेता है। उसके बाद होता ये, आलम खान भागते 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 बाबर के पास पहुंचते हैं, बाबर से बताते हैं भाई 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 बाबर भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो बाबर कहता है चिंता बिल्कुल मत करो, हम हैं अभी, हम दोबारा आक्रमण करेंगे उनके ऊपर। बाबर हार बिल्कुल भी नहीं मानता, कहीं से भी बाबर हार मानता हुआ नजर नहीं आता है। तो बाबर फिर से आक्रमण करता है, ये नहीं उसके पहले ये वापस लौट आते हैं, आलम खान वापस लौटते हैं, दौलत खान की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कैसी, कच्ची दोस्ती जो कभी भी टूट सकती है कभी मरवा सकती है। हुआ ये, अब 1525 आता है, नवंबर आता है, बाबर फिर से आता है आक्रमण करने के लिए। बाबर के लिए जरूरी था दौलत खान को हराना, क्योंकि भाई जो अपनी औकात भूल जाए उसको हराना जरूरी होता है, उसके लिए जरूरी था दौलत खान को हराना। और दौलत खान उस समय पर था कहां, मिलवट के किले में था, मिलवट के किले में। इसके पुत्र को पता चलता है कि बाबर आ रहा है आक्रमण करने के लिए हमारे यहाँ पे, और हमें और हमारे जो क्या है इनके पिताजी दौलत खान दोनों को हरा देगा। तो ये इनका जो पुत्र होता है, ये वाला पुत्र गाजी खान, ये भागते हुए लोदी की शरण में चला जाता है। चलो ठीक है, लेकिन 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 जो दिलावर खान होता है इनका पुत्र, वो हमेशा से बाबर का साथ देता है। ध्यान रखिए, जो दिलावर खान होता है वो बाबर का साथ देता है, और जो गाजी खान होता है वो लोदी की शरण में भाग के चला जाता है। हुआ ये, दौलत खान ने आत्मसमर्पण कर दिया फिर बाबर के सम्मुख। तो दोस्तों 1525 तक यहीं तक था, अब हम बढ़ेंगे 1526, 27, 28, 29 पानीपत का युद्ध हम पढ़ेंगे।